और बड़ी खबर है संदेश खाली की घटना पर बीजेपी ने जारी की है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली की घटना को लोगों तक पहुंचाएगी बीजेपी। द संदेश खाली शॉकर द बिग रिवील शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। संदेश खाली पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। इसके जरिए संदेश खाली में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को दर्शाया गया है और बताया गया है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको हिला देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको दर्द देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपके जमीर को झकझोर देगी। लेकिन इस सच्चाई को ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को द संदेश खाली शॉकर द बिग रिवील नाम दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री के जरिए संदेश खाली का सच बताने की कोशिश की गई है। डॉक्यूमेंट्री में संदेश खाली के महिलाओं की गवाही है। महिलाएं बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बीजेपी ने इस डॉक्यूमेंट्री को घर घर पहुंचाने का प्लान बनाया है, जिस हिसाब से कि बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी शाहजहां फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम मचा है। ममता सरकार पर आरोप है कि वो आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और संदेश खाली को लेकर ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। संदेश खाली में एक और गैंगरेप का केस दर्ज हो गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी संदेश खाली पहुंचे। डीजीपी का ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है और हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। डीजीपी राजीव कुमार ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। संदेश खाली में डीजीपी से जब शेख शाहजहां को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए डीजीपी ने क्या कहा। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष की जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदा जो अच्छे ढंग से रह सके उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। संदेश खाली को लेकर बंगाल के गवर्नर भी सरकार से रिपोर्ट मांग चुके हैं। संसद की प्रिविलेज कमेटी पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब कर चुकी है। और संदेश खाली के सच से पर्दा उठाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दौरा लगातार जारी है। आज वहां एसटी आयोग की टीम पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एसटी आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची। एसटी आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक के नेतृत्व में पहुंची ये टीम संदेश खाली के लोगों की शिकायत सुनेगी। आपको बता दें कि संदेश खाली को लेकर एसटी आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए टीम यहां पहुंची। एसटी आयोग के दौरे के बीच अब मानवाधिकार आयोग ने भी पूरे मामले में सख्ती दिखाई है और स्वतः संज्ञान लेते हुए बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। खबर है कि एनएचआरसी की टीम भी बहुत जल्द संदेश खाली का दौरा करेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। इससे पहले एनसीडब्ल्यू की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया था और हालात को बेहद खराब बताया था। संदेश खाली की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी सख्ती दिखा चुका है और आरोपी शाहजहां को सरेंडर करने का निर्देश दे चुका है। अदालत ने ये भी माना था कि एक शख्स पूरी आबादी को बंधक नहीं बना सकता।